सर, अभी जो ये कॉन्क्लेव हो रहा है, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, उससे होटल को फायदा है या यहाँ के मोनेस्ट्रीज को? देखिए, ओवरऑल अगर ये कॉन्क्लेव के ऊपर बात किया जाए तो हम लोग एज ए होटलियर ये तो जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे देश विदेश में इसका एक जो है मैसेज जाएगा कि यहाँ बोधगया में जो यहाँ पे आवासन की सुविधा है या जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार तो होगा ही। साथ साथ इसी के बहाने कम से कम जो है हमारा बिहार का एक जो है मतलब आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगा, क्योंकि हमारा यहाँ विदेशी आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसका प्रचार होगा विदेश में, तो इससे हमारा न सिर्फ यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर अच्छा बनता है, लोगों के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को इम्पुशमेंट मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि हाँ हम और ज़्यादा बढ़िया अगर करेंगे तो और भी इस तरह के इवेंट्स होंगे। एक तो ये हो गया पॉजिटिवली अगर हम सोचते हैं। नेगेटिव पार्ट इसका ये है कि थोड़ा सा ये मतलब हम चाहते हैं कि हर साल इस तरह से हो और हर देशों में जितना अभी थोड़ा सा मतलब कर रहे हैं इसको और व्यापक तौर पे और ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसको किया जाए। और हमारी भारत सरकार जो है, जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी आई है तो ये कह रहे हैं कि सारनाथ को और बोधगया को जोड़ेंगे, ये बहुत अच्छी पहल है। और इसी तरह के पहल की कड़ी में हम होटल वाले इसको देख रहे हैं, बोधगया का ये जो समागम हो रहा है उसको, कि इसमें चार चांद आएगा और आगे आने वाले दिनों में और भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी जो थोड़ी सुस्ती रहती है उनमें जो है थोड़ी सी मतलब फुर्ती भी आएगी और यहाँ की सरकार को भी एक टूरिज्म के ऊपर एक कुछ काम करने में, कुछ पहल करने में उनको मदद मिलेगी, उनको जो लोग आएंगे उनको कुछ सलाह भी देंगे, हम लोगों से भी उनको सलाह मिलेगा, हम लोगों के भी जो कमियां हैं जो होटलियर उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे और बढ़िया से बढ़िया सिटी के रूप में बोधगया डेवलप हो। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के रूप में बोधगया का एक जो है बहुत बड़ा योगदान बहुत प्राचीन वर्षों से रहा है, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो इस वजह से पूरे दुनिया से लोग आते हैं, तो उनको हम ये एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ आइए और यहाँ पे आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आप जा करके एक अच्छा मैसेज दीजिए यहाँ से, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से आएँ और यहाँ के बारे में जानें, यहाँ के मतलब हमें भी हमारे एक नागरिक के भांति यहाँ के नागरिकों को भी लाभ इसका मिले, प्रशासन को भी इसमें जो है काम करने का मौका मिले, सरकार को भी मिले और हम होटलियर को भी इसका लाभ मिले, हमारी सरकार को भी अल्टीमेटली जो है हम टैक्स देने में ज़्यादा ज़्यादा सक्षम हो, ज़्यादा बिजनेस होगा, ज़्यादा टैक्स देंगे तो हमारी सरकार भारत सरकार के लिए एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने में हमारी मदद रहेगी। और ये समागम का हम तहे दिल से बोधगया होटल एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से हम स्वागत करते हैं।